सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। सूत मिले, महर्षि सूत बड़े थे भक्तों वेदों के ज्ञाता। पूछता जो कोई प्रश्न उनसे हल भी मिल जाता। सोन का दी ऋषियों की ये हुई जानने की इच्छा, संसारिक और सुख समृद्धि का उपाय है क्या। ऐसा उपाय है ऋषिवर कुछ हमको बतलाए, जाकर के परलोक में मानो लक्ष्य को पाए। महर्षि सूत सोन का दी ऋषि को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। कथा का महात्म समझाया, सत्यनारायण व्रत का जो मानव करता है पालन, क्लेश मुक्त रहता है मुनिवर उसका तो जीवन। लोक और परलोक सुधर दोनों ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। विधि है क्या और व्रत करने से भगवान कैसा फल मिलता। श्री हरि नारद मुनि को लगे हैं ये कहने, पूर्ण श्रद्धा भाव करके व्यक्ति अपने मन में कर स्नान आदि, श्री हरि का ध्यान लगाना चाहिए। निराहार रह पूरे दिन ना कुछ भी खाना चाहिए। गाय का गोबर लेकर करे पूजा स्थल लिपाई, बना अल्पना पूजा के लिए जाए चौकी बिछाई। पूरी
जी हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। लोकपाल कभी कर ले ध्यान, सीता राम और लक्ष्मण की फिर पूजा करनी चाहिए, राधा रानी श्री कृष्णा का फिर तो ध्यान लगाइए, मात लक्ष्मी शिव शंकर और ब्रह्मा को ध्याए, करके आरती सब देवों की पंचामृत चढ़ाए, दान दक्षिणा सबको जो पंडित आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। भजन और कीर्तन करना चाहिए, सत्य आचरण करना ही इस व्रत का है आधार, श्री हरि नारायण करते अपनी कृपा अपार, शोक और दुख से मुक्ति भी भक्तों को मिलती, अनहोनी विपदा भी उन भक्तों की है टलती, भाई बंधुओं सहित हरि चाहिए पूजन, मोह माया के टलते हैं फिर भक्तों के बंधन, पूजा विधि के बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। किस किस ने यह किया व्रत अब हम तुमको बतलाए, व्रत के दोनों लोक सुधर जाए, रमणी काशी में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण, व्याकुल भूख प्यास से होके भटकता था प्रतिदिन, एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश फिर श्री हरि ने बनाए, बनकर बुढ़े ब्राह्मण श्री हरि उसके सम्मुख आए, बोला निर्धन ब्राह्मण के मैं अति दरिद्र हूँ, भरने के लिए पेट मैं अपना फिरता दर दर हूँ, श्री हरि फिर उस ब्राह्मण से ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा।
फिर उसके भर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा, श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। बढ़ती जाए एक कथा और ऋषियों को वो लगे सुनाने हैं, उल्का मुख राजा की कहानी लगे बताने हैं। उल्का मुख नामक राजा था बड़ा ही बुद्धिमान, श्री हरि विष्णु की भक्ति में रहता था ध्यान, पतिव्रता उसकी पत्नी थी उसका साथ निभाए, भद्रशिला नदी के तट पे दोनों हैं आए। सत्यनारायण व्रत वही करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा, श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। साधु नाम का एक बनिया राजा के पास है आया, हाथ जोड़ कर राजा को उसने है शीश झुकाया। उल्का मुख से साधु ने यह जानना चाहा है, करते व्रत कौन सा किसका ध्यान लगाया है। उल्का मुख फिर साधु को ये करने लगे बखान, को चले ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा, श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। पत्नी को आकर फिर साधु ने बतलाया, सत्यनारायण व्रत का मैं तो निश्चय करके आया। फिर तो साधु की पत्नी की हो गई गोद भराई, एक सुंदर सी कन्या फिर तो साधु के घर आई। उसकी पत्नी बोली आपने निश्चय ये किया था, सत्यनारायण व्रत करो स्वामी अब देरी है क्या। बोला साधु पत्नी से इतनी जल्दी है क्या, कर लूंगा मैं व्रत जो होगा इस कन्या का विवाह। साधु बात अपनी पत्नी की टाल ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा।
चुरा के भागा। सैनिक साधु और दामाद को पकड़ ही लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री नारायण पूजा, विष्णु रूप है तुझा। श्री सत्यनारायण पूजा, विष्णु रूप है तुझा। छोड़ दिया, सोचा सैनिकों ने के चोरी इन्होंने की होगी, क्योंकि धन के पास में सोए थे ये दोनों भी। पकड़ के सैनिक राजसभा में उनको ले आए, बोले कि हम चोर पकड़ कर राजन है लाए। सारा ही धन चंद्र समझ के कारागार में बंद कर दिया है। जो गलती की ना थी उसकी सजा वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। साधु की पत्नी थी जिसका कलावती है, क्या पड़ा जरूरी इन दोनों को काम। बीत गए कई वर्ष लौट कर अब तक ना आए, जैसे जैसे दिन बीते उसका तो जी घबराए। श्री हरि विष्णु से उसने फिर की है विनती, सत्यनारायण व्रत करूं जो लौट के आए पति। फिर चंद्र केतु के सपने में आए, सारी बातें चंद्र केतु को दी है बतलाए। साधु और दामाद को चंद्र केतु बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। सपने में बताया है, साधु और दामाद का धन जितना था लौटा दिया। माफी मांग के चंद्र के तूने उनको विदा किया। कलावती ने क्योंकि श्री सत्यनारायण व्रत किए, श्री हरि ने खुश होकर है पति भी लौटा दिए। सत्यनारायण व्रत सभी करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं।
हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। सत्यनारायण व्रत जो श्रद्धा भाव से करते हैं, भव सागर से शीघ्र भक्तों वो तो उतरते हैं। पूर्ण होती है भक्तों की सारी मनोकामना, विधि विधान से जो करते हैं भक्तों इसकी साधना। अति शीघ्र पापों से मुक्ति देने वाला भक्तों की टाला है। हंस राज रलहन की श्रद्धा श्री हरि चरणों में, राजस ठकुराल भी लगा रहता सत्कर्मों में। फौजी सुरेश और डीएस पाल भी यही चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं।